नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्रेम बंधुओं को सबको पता होगा कि अशोक नगर में बागेश्वर धाम आ रहे हैं। उनकी तैयारियां जो कृषि उपज मंडी समिति अशोक नगर में जो तैयारी चल रही है उसका जायजा लेने के लिए हम आए हैं और देखते हैं क्या क्या तैयारी चल रही है। और अभी जो आप देख रहे होंगे मंडी इसमें लगती है, तैयारी इसकी चालू हो गई है और मेले के कुछ सामान लग चुके हैं और यहाँ पर टेंट की भी व्यवस्था हो चुकी है दोस्तों। और आपको बताएंगे क्या क्या तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर खाने की भी तैयारी हो गई है और यहाँ कुछ रोड खराब था वो भी हो गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी मंडी का जो भाव है लगभग बंद होने वाला है 4-6 दिन के रोड में। जो 24 तारीख की जो तैयारी है वो है और यहाँ पर ये बंदरवान भी बन चुके हैं। और जो आप देख रहे होंगे यहाँ की पूरी व्यवस्थाएँ चल रही हैं और हम और जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे मेला के लिए झूला वगैरह की व्यवस्था हो चुकी है और यहाँ पर रोड नहीं था पहले, उसकी भी डामर वगैरह व्यवस्था हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और आप जो देख रहे होंगे पूरा गद्दा वगैरह और पुलिस जवान होते हैं उनकी रोकने के लिए सब व्यवस्था हो चुकी है। ये आप देखिए पूरे गद्दा वगैरह आ रहे हैं बाहर से, पूरा टेंट की व्यवस्था चल रही है। और ये रोड देख रहे होंगे अभी ये रोड बना हुआ है, यहाँ पर मुर्मीकरण था जी आप देख रहे होंगे। और देखिए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से हो रही हैं और ये यहाँ पर झूले भी लग चुका है। क्या है ना, टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है इसलिए जितना ये मुर्रम है आने जाने के लिए रोड की पूरी व्यवस्था हो गई है और डामीकरण जो हो चुका है दोस्तों। और आप देख रहे हो और वहाँ पर जो खाने की व्यवस्था वो भी तैयारी चल रही है। और देखिए आप यहाँ जितना भी रोड था पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया गया है और यहाँ पर समिति द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। क्या एक्चुअली क्या है ना, भीड़ पड़ रही है मंडी में खेती किसानी कारण, इस कारण से इस मंडी में भी दिया गया था मगर अब 4 या 6 दिन के रोज में पूरा बंद होने वाला है। और तैयारी देखिए आप, हमारे विधायक महोदय द्वारा पूरी जायजा लिया जा रहा है और समिति द्वारा गठन कर ली गई है जिससे पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। यहाँ भीड़ बहुत होने वाली है, पूरा हो गया है। मैं आपको मंडी के आसपास का पूरा दृश्य दिखाऊंगा जिससे कि आपको आने में समस्याएं ना हो। यहाँ पर ये बाहर से आया हुआ है, पूरा टीन सेट की व्यवस्थाएं आ रही हैं और कल से लगने वाला है टीन सेट यहाँ पर। और आगे अभी भी ड्रामीकरण चल रहा है, चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लोगों के लिए बहुत परेशानी हो रही थी इस कारण से विधायक महोदय द्वारा यहाँ पर जो भी आप देख रहे होंगे यहाँ ड्रामीकरण पूरी तरीके से पूरा ड्रामीकरण होने वाला है। अभी प्रदीप मिश्रा जी का जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ पब्लिक बहुत आ गई थी इस कारण से समस्या हो रही थी, इसलिए विधायक जी का इनका इतना सहयोग रहा कि यहाँ पर ये पूरा ड्रामीकरण हो जाएगा जिस कारण से पब्लिक बैठ सकती है बाहर भी। क्या बागेश्वर धाम जी आ रहे हैं इस कारण से यहाँ पर भीड़ अधिक मात्रा में, लाखों लोग आएंगे बाहर से और श्रद्धालु यहाँ उनका वाचन सुनेंगे। तो चलिए आइए और आगे देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ आप देख रहे हैं काम चल रहा है, काम बंद नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, टाइम बहुत कम रह गया इस कारण से। तो दोस्तों ये सेकंड रास्ता था बाहर से जाने के लिए, यहाँ पर भी ये डामीकरण का काम चल रहा है, पूरी व्यवस्था चकाचक चल रही है, अभी भी करंट में काम चल रहा है। यहाँ पर अभी डंपर वगैरह होगा, लगभग 2-3 दिन में ये काम पूरा होने वाला है और संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ की पूरी व्यवस्थाएँ हो जाएंगी सही तरीके से। और आप देख रहे हो डामीकरण का भी काम चल रहा है यहाँ पर। एक पट्टी तो यहाँ की हो चुकी है और दूसरी पट्टी अभी यहाँ पर जाम करंट में चल रहे हैं यहाँ।
यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ झूला वगैरह लगा था तो यहाँ व्यवस्था हो रही थी पब्लिक के लिए, इसलिए यहाँ पर भी डामीकरण हो गया। यहाँ पर ये दुकानें लगने वाली हैं, इसलिए ये छोड़ रहा है, बड़ा टेंट लगेगा यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर दुकानें लगेंगी। व्यवस्थाएँ तो इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही हैं दोस्तों, और इतना भव्य दृश्य होने वाला है बागेश्वर धाम जी का। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो टेंट लग रहा है, टेंट का काम भी चालू हो चुका है। यहाँ पर खाने वगैरह व्यवस्था होगी, क्या पब्लिक बहुत आएगी खाने के लिए, कोई भूखा ना रहे। अजाक जी महोदय का यह कहना है कोई भूखा ना जाए, बागेश्वर धाम जी सुनने वाले आ रहे हैं, कोई भूखा ना चले जाए, इसी कारण से यहाँ पर पूरी व्यवस्था, ये टेंट लग रहा है और यहाँ के ये रास्ता एक्स्ट्रा बनाया गया इससे बाहर आने वाले हैं। और एक खासियत है यहाँ पर, जो पहले टैक्स लगता था गाड़ी वगैरह रखने के लिए, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और एक अभी एक लेटर निकला है, ऑटो यूनियन वाले बहुत रेट ले रहे थे, मगर अब वो रेट लगभग 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये से ज़्यादा नहीं लेंगे। और अगर आप बस स्टैंड से आएंगे 10 रुपये लेंगे, और अगर आप रेलवे स्टेशन से आएंगे 20 रुपये लेंगे, और अधिक दूर से आएंगे तो 30 रुपये लगभग रुपये लगने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पर पहले गाड़ी वगैरह रखने की व्यवस्था थी, जी आप देख रहे हो पूरा मंडी ग्राउंड है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेंट वगैरह तैयारी हो रही है, पूरा ग्राउंड में खाने की व्यवस्था रहेगी, और अब ऐसा खाना व्यवस्था होगी, भंडारा होगा, ये भंडार गृह बन रहा है यहाँ पर, जिससे कि कोई भूखा ना जा सके। यहाँ पर पूरा राउंड लगाया गया है कि यहाँ पर ये लगेगा, जी आप देख रहे हैं राउंड बना हुआ है, जी मंडी ग्राउंड है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ग्राउंड है, इस कारण से यहाँ पर व्यवस्थाएँ होती हैं, और आपको आने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सुनार आएंगे आप, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर मोहरी पठार बोलते हैं, मोहरी गांव पर ये पठार पर बना हुआ है। और यहाँ पर जैसे खाना फ्री होंगे, और ये टोंटी वगैरह लगी हुई हैं, ये आपको देख रहे होंगे, टोंटी की व्यवस्था की गई है, और ऊपर टंकी वगैरह की व्यवस्था कर दी है। यहाँ पर जितनी भीड़ होगी, भीड़ के हिसाब से पूरा बड़ा पूरा, जी आप देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो कोई भूखा ना जा सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल पर। आपको मैं इसी तरीके से आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा, यहाँ पर आसपास की पर डे जानकारी देता रहूँगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।